महामारी की रोकथाम के लिए अस्थायी नियुक्त किए गए डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एसडीएम कार्यालय में एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया। डॉक्टर राकेश सरजालिया, डॉक्टर निशांत खेड़ा लेब टेक्नीशियन, शाहरुख खान, सलमान मंसूरी, नर्स नीलिमा दसोधी, साथ ही में मनीषा चौहान, संगीता मंडलोई, शीला जमेरे और शहनाज खान, रेखा राठौर की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में शासन द्वारा लगभग 6000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों की कोविड-19 की वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए मार्च 2020 में शासन द्वारा भर्ती की गई थी, जिसे शासन द्वारा समय समय पर कार्य अवधि बढ़ाई गई। वर्तमान में जो ANHM द्वारा नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन एवं NHM की उन भर्तियों में कोविड-19 के अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता के साथ रिक्त पदों पर संविदा से सिविलियन करें, जिसके बाद शेष पदों पर अन्य अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाए। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों ने आदि अनेक अपनी प्रमुख मांगे रखी हैं एवं शासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का निराकरण किया जाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।